फ्रेंड्स नमस्कार, मैं बांधवगढ़ नेशनल पार्क से बोल रहा हूँ। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि इस बार आपने छुट्टियाँ बांधवगढ़ नेशनल पार्क में मनाने का निर्णय लिया है। आपका बांधवगढ़ नेशनल पार्क में बहुत बहुत स्वागत। फ्रेंड्स, मैं आज आपको बांधवगढ़ टूर पैकेजेस के बारे में पूरी जानकारी दूंगा, जिससे आपका टूर बहुत ही अच्छा हो जाए और बांधवगढ़ में किसी किस्म की दिक्कत ना हो। इसमें चार पॉइंट होते हैं, वो चारों मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट बताऊंगा, जिसको आप पूरा सुनिएगा तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी कि लखनऊ से बांधवगढ़ कैसे आए और बांधवगढ़ में क्या क्या करना है, कैसे कैसे घूमना है। ये सारी जानकारी मैं आज आपको इस वीडियो में दूंगा। फ्रेंड्स, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे जो भी आगामी वीडियो हैं सबसे पहले आपको मिलेंगे। चैनल सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान है। आप वीडियो के नीचे देख रहे हैं चैनल का नाम टाइगर बांधवगढ़, उसके आगे लाल रंग से लिखा हुआ है सब्सक्राइब। आप उस लाल रंग के सब्सक्राइब को टच कर दीजिए तो तुरंत ही उसके आगे तीन घंटियां दिखने लगेंगी। उसमें जो सबसे ऊपर घंटी दिख रही है बजती हुई, ऑल लिखा हुआ है, उसको आप टच कर दीजिए, आप सब्सक्राइब हो जाएंगे। और हाँ, सब्सक्राइब करने का कोई शुल्क नहीं है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी यह वीडियो यूज़फुल और अच्छी लगे तो आप इसको शेयर करिए, लाइक करिए, और कोई भी जानकारी के लिए आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, हम आपको जवाब देंगे और ज़रूर से देंगे। इसके अलावा भी आपको अगर कुछ जानकारी चाहिए तो आप मोबाइल नंबर जो कि ऊपर दिया हुआ है लेफ्ट टॉप कॉर्नर में, उसमें मोबाइल करके भी आप जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, जानकारी का सिलसिला शुरू करते हैं। आपको सर्वप्रथम मैं बताऊंगा कि आपको लखनऊ से बांधवगढ़ कैसे आना है। लखनऊ से बांधवगढ़ आने के लिए दो रास्ते हैं, एक तो लखनऊ, चित्रकूट, सतना, मैहर, बरही, पनपथा और बांधवगढ़, और दूसरा रूट है लखनऊ से प्रयागराज, रीवा, और रीवा से फिर दो रास्ते हो जाते हैं, एक देवलोन, ब्योहारी, टेटका मोड़, मानपुर, बांधवगढ़, और दूसरा हो जाता है रीवा से मैहर, सरला नगर, बरही, पनपथा और बांधवगढ़। इसमें से मैहर वाला रोड बहुत अच्छा है, फोर वे हाईवे है, जिससे आप जल्दी पहुंचेंगे। और जहां तक डिस्टेंस की बात है, आप वाया मैहर आए या वाया देवलोन, एक ही है। और हाँ, लखनऊ से बांधवगढ़ पहुंचने का जो डिस्टेंस है वो वाया चित्रकूट आएंगे तो आपको 450 किलोमीटर पड़ेगा, और अगर वाया प्रयागराज रीवा होके आएंगे तो आपको 490 किलोमीटर पड़ेगा। और इसका बाय रोड जो समय लगेगा आने का, लगभग 10 घंटे लगेगा। आप लखनऊ से वाया ट्रेन भी आ सकते हैं। ट्रेन के लिए आपका रेलवे स्टेशन उमरिया होगा, तो आप उमरिया आके उमरिया से बस द्वारा या टैक्सी द्वारा आप बांधवगढ़ नेशनल पार्क पहुँच सकते हैं, जो कि टैक्सी और बसेस फ्रिक्वेंटली उमरिया से बांधवगढ़ के लिए चलती रहती हैं। फ्रेंड्स, दूसरा पॉइंट है बांधवगढ़ में कहाँ रुकें। उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन रिजॉर्ट सारी फैसिलिटीज़ के साथ अवेलेबल है, जिसका नाम गोलब्रो टाइगर व्यू रिजॉर्ट अर्थात GTV रिजॉर्ट है। आप गोलब्रो टाइगर व्यू रिजॉर्ट में रुकेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, क्योंकि यह 3-स्टार रिजॉर्ट है और गोलब्रो टाइगर व्यू रिजॉर्ट में स्विमिंग पूल, बिलियर्ड्स, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल इत्यादि गेम लगे हुए हैं, और बच्चों के लिए चाइल्ड जोन बना है जिसमें बहुत सारे गेम्स और झूले इत्यादि बच्चों के लिए लगे हुए हैं। और गोलब्रो टाइगर व्यू रिजॉर्ट में एक बहुत ही बेहतरीन रेस्टोरेंट है, जिसका खाना आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और आपको समझ में ही नहीं आएगा कि हम छोटे से एरिया बांधवगढ़ में हैं या कि अपने घर लखनऊ की किसी बेहतरीन रेस्टोरेंट में हैं। गोलब्रो टाइगर व्यू रिजॉर्ट की जो कॉटेजेस हैं वो विलेज डिकोर की बैम्बू से डेकोरेट की हुई हैं, जो कि आपको काफ़ी अच्छी लगेंगी। मैं अभी उसका व्यू आपको दिखाता हूँ। यह गोलब्रो टाइगर व्यू रिजॉर्ट बांधवगढ़ नेशनल पार्क का ओवरव्यू है। इसमें आप देख रहे हैं कि ये कॉटेजेस बनी हुई हैं, जिसके अंदर बेहतरीन डेकोरेशन और अटैच लाइट बाथ के साथ हैं, जिसमें आप रुकेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा महसूस होगा। बिल्कुल जंगल थीम की कॉटेजेस हैं और रिजॉर्ट भी जंगल थीम का ही है। तो देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ कॉटेज का व्यू। फ्रेंड्स,
ये गोलब्रो टाइगर व्यू रिजॉर्ट बांधवगढ़ की कॉटेज का इनर व्यू है जो आप देख रहे हैं कि टोटली बैम्बू से डेकोरेटेड है। इसमें टेलीविज़न है और एसी है, साथ में अटैच लाइट बाथ है जिसमें सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, जिसके में रुकने से आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। इसके बेड इंटरनेशनल साइज़ के हैं और इस कॉटेज में सोफ़ा लगा हुआ है जिसमें आप आराम से बैठ के टीवी देख सकते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, चाय कॉफ़ी पी सकते हैं। यह गोलब्रो टाइगर व्यू रिजॉर्ट की कॉटेज का अटैच टॉयलेट है जिसमें सारी मॉडर्न फैसिलिटीज़, टॉयलेटरीज़ और एक साफ़ सुथरा टॉवल आपके इस्तेमाल के लिए है, और शॉवर में हॉट एंड कोल्ड रनिंग वाटर आता है जो कि आपको जंगल में काफ़ी सुकून देगा। तो फ्रेंड्स, आप जब भी आए बांधवगढ़ नेशनल पार्क तो गोलब्रो टाइगर व्यू रिजॉर्ट ही बुक करें। फ्रेंड्स, ये गोलब्रो टाइगर व्यू रिजॉर्ट का स्विमिंग पूल है जो कि बहुत ही बेहतरीन है। यह दो पोर्शन में बना हुआ है, एक पोर्शन छोटे बच्चों के लिए है और एक बड़ों के लिए है, अर्थात आप छोटे बच्चों के साथ भी स्विमिंग पूल एंजॉय कर सकते हैं। यह स्विमिंग पूल बहुत ही साफ़ सुथरा है और इसका पानी एकदम क्रिस्टल क्लियर है और इसका ट्रीटमेंट किया हुआ है पानी का, और फिल्टर से इसका लगातार फिल्टरेशन होता रहता है, तो आपको इस स्विमिंग पूल में काफ़ी एंजॉय होगा। नेक्स्ट पॉइंट है फूड। बांधवगढ़ में फूड कहाँ मिलेगा, रेस्टोरेंट कहाँ मिलेगा? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक बेहतरीन रेस्टोरेंट गोलब्रो टाइगर व्यू रिजॉर्ट में है जिसमें एकदम फ्रेश और टेस्टी फूड मिलता है और आपके ऑर्डर के अनुसार ही सारा प्रिपरेशन होता है, और जिसका फूड आप लेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप अपने घर पे ही फूड ले रहे हैं, अपने शहर लखनऊ के ही किसी बेहतरीन रेस्टोरेंट में ले रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर खाने की कतई दिक्कत नहीं होगी गोलब्रो टाइगर व्यू रिजॉर्ट के रेस्टोरेंट में। फ्रेंड्स, चौथा और अंतिम पॉइंट है बांधवगढ़ में घूमना और जंगल सफारी। अंतिम है पर सबसे इम्पॉर्टेंट है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क डेंसिटी के हिसाब से पूरे विश्व में टाइगर्स के लिए फेमस है, इसलिए यहाँ पर देश विदेश के टूरिस्ट आते हैं और टाइगर देख के जाते हैं। परंतु यहाँ टाइगर के साथ आपको लेपर्ड, गौर, भालू और काफ़ी सारे जानवर, चीतल, सांभर इत्यादि भी जंगल सफारी में मिलेंगे, और यहाँ पर 250 प्रजातियों की चिड़िया भी हैं जो भी आप जंगल सफारी के द्वारा देख सकते हैं। जंगल जीप सफारी ही सबसे उत्तम साधन है बांधवगढ़ नेशनल पार्क घूमने का। इसके अलावा और किसी साधन और वाहन की अनुमति जंगल के अंदर जाने के लिए नहीं है, इसलिए आपको जब भी बांधवगढ़ नेशनल पार्क घूमना होगा तो जंगल जीप सफारी बुक ही करानी पड़ेगी। जंगल जीप सफारी चार आइटमों को मिलकर बनती है, जिनमें से पहला है परमिट, दूसरा जिप्सी, तीसरा गाइड, चौथा ड्राइवर। जब इन चारों चीज़ों को अपन बुक करते हैं जो कि अलग अलग जगहों से होती है, तब कंप्लीट होती है जंगल सफारी और आपको जंगल के अंदर ले जाने के लिए रेडी हो जाती है। एमपी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने बांधवगढ़ नेशनल पार्क को 6 हिस्सों में बांट रखा है जो मुख्य हैं ताला, मगधी, खितौली, पनपथा, धमोखर और जोहिला। आप इन सारे एरिया को घूम सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, चाहे जितनी बार जिस एरिया में जाइए। जंगल जीप सफारी 3 बार होती है, एक अर्ली मॉर्निंग, दूसरी आफ्टरनून और तीसरी नाइट में। आप इन तीनों में से कोई भी ले सकते हैं, कभी भी ले सकते हैं, तीनों एक साथ भी ले सकते हैं, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो फ्रेंड्स, बांधवगढ़ नेशनल पार्क में रिजॉर्ट, जंगल सफारी और फूड के लिए एक ही नाम याद रखें, गोलब्रो टाइगर व्यू रिजॉर्ट। देखिए, ऊपर लेफ्ट टॉप कॉर्नर में मोबाइल नंबर दिख रहा है, आप इस मोबाइल नंबर के द्वारा गोलब्रो टाइगर व्यू रिजॉर्ट बुक कर सकते हैं और जंगल जीप सफारी भी बुक कर सकते हैं। पर जंगल जीप सफारी जितनी जल्दी बुक करेंगे उतना ही अच्छा है, क्योंकि सफारी परमिट की बहुत ज़्यादा कमी है। तो फ्रेंड्स, उठाइए अपना मोबाइल फ़ोन और लगाइए ऊपर दिए नंबर पर, और भी डिटेल्स, नंबर, वेबसाइट एड्रेस, ईमेल एड्रेस इत्यादि डिस्क्रिप्शन में दिया है। डिस्क्रिप्शन खोलने के लिए आप वीडियो के नीचे टाइटल को टच कर दीजिए, डिस्क्रिप्शन खुल जाएगा जिसमें और भी फ़ोन नंबर मिल जाएंगे, मेल आईडी मिल जाएगी और वेबसाइट एड्रेस, जिससे आप GTV रिजॉर्ट का पूरा डिटेल देख सकते हैं और उसके बाद बुकिंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपके लिए बेहतरीन रिजॉर्ट गोलब्रो टाइगर व्यू रिजॉर्ट इंतज़ार कर रहा है और आपकी
जंगल जीप सफारी बुक करने के लिए भी तैयार है। अवेलेबिलिटी के हिसाब से जैसा भी होगा, जितने दिन पहले आप बोलेंगे उतने ही अच्छे तरीके से आपकी जंगल सफारी बुक होगी। तो फ्रेंड्स, देरी किस बात की है, तुरंत फ़ोन लगाइए और बांधवगढ़ नेशनल पार्क में GTV रिजॉर्ट और जंगल सफारी बुक कीजिए, जिससे आपका बांधवगढ़ नेशनल पार्क का टूर प्रोग्राम फर्स्ट क्लास हो जाए। थैंक यू, बाय।